हरिओम दोस्तों, अभी मैं गद्दी चरवाहों के डेरे के पास हूँ। ये देखिए पीछे, यहाँ पे एक चरवाहे हैं, यहाँ पे ये रात को सोते हैं। अभी ये करीब 150 बकरियाँ हैं, पीछे इनकी 600-700 भेड़ें आ रही हैं अभी। और पीछे अभी मैंने आपको एक डेरा दिखाया, तो यहाँ पे एक और डेरा है साथ में ही। पिछले साल मैंने YouTube पे चरवाहों की बहुत सारी वीडियोस डाली थी, तो वो चैनल मेरे से गलती से बंद हो गया। काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रहा था, तो ये वीडियो देखते थे तो इन्होंने कॉल की थी मुझे। तो काफ़ी टाइम से इनसे बात होती थी, कुछ टाइम से फिर नहीं हो रही थी, तो इन्होंने पहचान लिया मुझे। देखिए अभी इनका डॉग आ रहा है, पड़ेगा तो नहीं है। इसके दोनों कान खड़े हैं, क्रॉप कर दिए हैं इन्होंने, और जर्मन शेपर्ड के जैसा इसका कलर है, मिक्स हिमालयन मैस्टिफ है ये। पिछले साल ये मुझे इसकी फ़ोटोज़ भेजते थे, तो डेरे में अभी मैं अकेला हूँ और ये डॉग है, खाना खा रहा है, लेकिन ये अभी कुछ भी नहीं कर रहा मुझे। तो अभी ये जा रहा है यहाँ से, और ये देखिए कितना प्यारा है, मेमना है। इसकी मदर वहाँ चर रही है अभी, उसी को बुला रहा है बार बार, ये पूरा दिन भर चरने जाती हैं। तो अभी दूध पिलाएगी इसको थोड़ी देर में आके। ये भी वहाँ बैठा है और मुझे देख रहा है, और ये मेरे पीछे पड़ गया है कब से। 300 अच्छा अच्छा तो जो दूसरा साथी आपका आ रहा है ना, आ रहा है, उनके पास कितना माल है? 50-60। और कुत्ते? कुत्ता एक ही है। नहीं, कुत्ता ये तो एक है ना, उनके पास भी होगा एक आधो। अच्छा अच्छा घोड़े भी है उनके पास? घोड़े नहीं है। इनका एक साथी और आ रहा है ऊपर पहाड़ों से अपना माल लेके, उनके पास एक दो डॉग्स भी होंगे। फिर यहाँ पे कितने महीने रहोगे आप? 2 महीने। 2 महीने साथ रहेंगे यहाँ पे, फिर इकट्ठे अपने माल को लेके निचले इलाकों की तरफ चले जाएंगे। अच्छा, आपका घर यहीं है? ये जो पीछे गांव में, मेरना में। अच्छा अच्छा, यहीं पे इनका घर भी है? हाँ, पीछे वो जो गाँव। तो आप अभी ना गर्मियों में कहाँ गए थे ऊपर? लाहौल स्पीति गए थे। 2 साल हो गए मेरे को जाते, मैंने मेरे को तो कोई मिला नहीं। 2 साल से जा रहे हो आप लाहौल स्पीति? उससे पहले नहीं गए? पहले भी जाते थे ना, पहले मैं नहीं जाता था ना, और ही जाते थे लोग। तो पहले आप अपना माल मतलब उनके हैंड ओवर कर देते थे? हाँ। अच्छा अच्छा, तो यहाँ अभी चूल्ह बनेगी? चूल्हा बनेगा यहाँ, देख। अच्छा अच्छा, आग जलाएंगे, चाय पीते हैं, चाय बनाते हैं। अभी उसने डरा दी हो वो मेमना, पहले मेरे पीछे पड़ा था फिर इस डॉग के पीछे, अब दूर से ही देख के मैं कर रहा है डॉग को, उसने एकदम से डरा दिया इसको। तो देखिए कैसे आ गया अभी ये यहाँ को। फिर देखिए अभी ये चूल्हा बना रहे हैं। ये बोल रहे दोस्तों कि इनकी एक बकरी बीमार है, पीछे छूट गई है, तो अभी जल्दी जल्दी ये चाय बनाएंगे, फिर उसको ढूंढने जाएंगे पीछे जंगल में। मैं पानी लेके आता हूँ, ठीक है? आ जा। पानी की तो कहाँ से लाओगे आप? पानी हो जी। करीब 2 घंटे पहले इसने ये बच्चे को जन्म दिया, तो देखिए अभी अपने पैरों पे खड़ा हो गया ये। यहाँ से पानी ले आए ये, अभी साथ में ही डेरा है बकरी के बच्चे। अच्छा अच्छा, इसके अंदर? हाँ, ये जो इसके अंदर, ये देख। हाँ हाँ, इसके अंदर। अच्छा, कितने के बच्चे आ जाते हैं इसमें? 5-6 बच्चे। ये बकरी के उनका है या भेड़ के? भेड़ की उनका है। अच्छा अच्छा, ये आप ऊपर से ढक देते हो ना? हाँ। अच्छा, तो इधर आ जाओ आप। और ये भी भेड़ की उनका है। ये भी भेड़ के उनका है? हाँ। ये भी भेड़ के उनका है? ये भेड़ की उनका है। मैं यहाँ सोता हूँ यहाँ पर। कहाँ?
दोस्तों ये तो उन्होंने दुकान से लाया है। वैसे गद्दी नस्ल की जो बकरियां हैं यहाँ पे चर रही हैं पीछे, इनके बालों से भी ऐसे मैट बनते हैं, बनते हैं ना। तो वो नहीं आपके पास है अभी? वो नहीं है अभी। अच्छा अच्छा, देख काम चलाते हैं ये है। ये है चलारू। आप चलारू बोलते हैं इसको? आप क्या बोलते हैं? हम तो ऐसे बोलते हैं चरकेंठी। ये चरकेंठी बोलते हैं हम, चलारू बोलते हैं अपनी भाषा में। अच्छा। बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में हमारे घर, तो चीड़ के पेड़ों पे लगे होते हैं ऊपर। ये पिछली वीडियो में जहाँ मैं चरवाओं के पास गया था वहाँ मैंने आपको दिखाया था कच्चा तेल चीड़ के पेड़ से निकला हुआ। तो आपको खाना तो घर से आ जाएगा ना? घर में कोई नहीं, खुद बनाना पड़ेगा। घर में कहाँ गए? सब भरमौर में। सब भरमौर में? तो आपने बोला आपके घर यहाँ है? घर ही घर है ना, बाकी सभी लोग वहाँ हैं। तो वो कब आएंगे यहाँ? 5-6 दिन के बाद। अभी मैं अकेला ही हूँ इतनी सारी बकरियों के साथ। दोस्तों ये जंगल में अकेले हैं, तो इतनी बकरियों को अकेले हैंडल करना पड़ता है, अकेले खाना बनाना पड़ता है, सब कुछ मतलब अकेले ही। आप समझ सकते हो कितना टफ होगा। आग भी जल गई है, ठंड भी हो गई है। ये देखिए बन गई अब टेम्परेरी चूल्हा। पत्ती इन्होंने डाल दी अभी। ये देखिए चीनी भी डाल दी। दो बच्चे हैं। किसके? तो इसके दो मेमने हैं ये दोनों। बकरी से दूध। ये अपने आप ही आ गई? हाँ। कैसे? बुलाया नहीं मैंने इसके। देखो दिख रहा होगा। इतनी सारी बकरियों में से इन्होंने आवाज लगाई और ये खुद ही आ गई। चाय बनके रेडी हो गई है। भेड़े कितने हैं आपके पास? 40। 40 भेड़े हैं? तो आपने ऊन कब निकाली थी इनसे? 15 दिन पहले। 15 दिन पहले? फिर बेच दी हो? बेच दी। तो कितने रुपए किलो जाती है? 70 रुपए किलो। 70? अच्छा अच्छा। तो फिर गवर्नमेंट लेती है या कोई प्राइवेट? प्राइवेट लेता। प्राइवेट? अच्छा अच्छा। 70 रुपए किलो बेची इन्होंने। कितने किलो हो गई थी 40 भेड़ों से? 40 किलो। 40 किलो? साल में 3 बार? साल में 3 बार ये ऊन काटते हैं भेड़ों से। मैं अपने रूम के आसपास डेली व्लॉग इसलिए नहीं बनाता क्योंकि मुझे लगता है वो वर्थ नहीं है। अब मैं चरवाहों की वीडियो आपको इसलिए दिखाता हूँ ताकि आपको भी पता लग सके कि कैसी कैसी ज़िंदगी होती है, क्योंकि कल्चर ख़त्म होने की कगार पे है। और जब हमारे गांव में चरवाहे आते तो मैं चला जाता था ऐसे ही मिलने के लिए, ऐसे ही बिना मतलब से। तो मुझे बचपन से लगाव है। आज से 50 साल पहले लाइट भी नहीं होती थी घर में, गाड़ियाँ नहीं होती थी, ऐसी पक्की सड़कें नहीं होती थी, लोग फार्मिंग ज़्यादा करते थे, तो चरवाहे मज़े से भेड़ पालन का काम करते थे। हमारे गांव में दोस्तों चरवाहों को पहले खुद बिठा के करते थे अपने खेतों में लोग, क्योंकि पहले मैक्सिमम सारे पशु पालते थे, खेती करते थे। ये जो लीद करती हैं छोटी छोटी मिंगण खेत में खाद का काम करती है, तो लोग पहले बिठा के करते थे अपने खेतों में। अब तो लोग गालियां देते हैं क्योंकि पशु बहुत कम लोगों ने रखे हैं, तो अब इनका जीवन बहुत ही कठिन है। 50 सालों में इतना कुछ चेंज हो गया, आप देख सकते हो।
इस बकरी ने दो मेमनों को जन्म दिया है, तो ये बारी बारी से दूध पिला रही है। मुझे ज़ोर से बोलना पड़ रहा है क्योंकि मेरा जो एक्सटर्नल माइक है वायरलेस गो, वो मैंने रिपेयरिंग के लिए भेजा है दिल्ली में सर्विस सेंटर में, तो पता नहीं साउंड क्वालिटी कैसी आ रही होगी। बहुत ही सुंदर नज़ारा है, मैं नज़दीक से आके नहीं वीडियो शूट कर सकता, नहीं तो भाग जाएगी ये बकरी। अभी एक को पिला रही है, थोड़ी देर बाद इसको पिलाएगी। जैसे जैसे अंधेरा हो रहा है ये सभी बकरियां और भेड़ें डेरे के पास इकट्ठी हो रही हैं, आराम से बैठ गई हैं। कल मैं दोस्तों जहां वीडियो बनाने गया था चरवाहों के पास, यहां से करीब 60 किलोमीटर होगा वो, तो मैं बहुत ही बैकवर्ड जगह पे चला गया था मेन नेशनल हाईवे से, तो आते टाइम बहुत ज़्यादा अंधेरा हो गया। मुझे करीब 3 किलोमीटर मैं पैदल चला, उसके बाद मुझे लिफ्ट मिली, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे रात को अकेले नहीं घूमते। बहुत सारे लोगों ने पहले भी कहा था कि ये इलाका ठीक नहीं है, तो आज भी मैं लेट हो जाऊँगा। बहुत बार हुआ है मेरे को ऐसा, लेकिन कुछ ना कुछ कोई ना कोई लिफ्ट दे ही देता है। लेकिन रिस्क है तो इश्क है। धीरे धीरे टच करता हूँ। अभी इन्होंने झाड़ियों में पत्थर फेंका और कैसे तेज रफ्तार से झाड़ियों में चला गया है कि कुछ होगा खतरा। तो ये बोल रहे हैं कि अभी इनकी कुछ भेड़ बकरियां पीछे छूट गई हैं, तो अभी उनको ढूंढने जाना है। वो देखो आ रही हैं कुछ, हाँ उनको ढूंढने जाना है। कुछ उस साइड हैं, वो देखो ऊपर से आ रही हैं, ऊपर भी हैं, वो पीछे वो छूट गई, वो चली गई। कुछ ऊपर है तो ऊपर भी जाना है अभी, और क्या ऊपर भी जाना पड़ेगा मेरे को। अब 300 भेड़ बकरियों को संभालना बहुत टफ है अकेले इंसान को, जंगल में जानवर भी होते हैं, खाना भी बनाना होता है, आप देख सकते हैं। फिर रात को आप सो जाते हो आराम से? रात को सो जाता हूँ। बहुत सारी भेड़ बकरियाँ भी इकट्ठी हो गई हैं यहाँ पे, देखिए इनकी मार्किंग मिलती जुलती है बच्चे की और इसकी। ये कितने दिन का है? 5 दिन का। 5 दिन का? हाँ। अच्छा अच्छा, तो आप ना अपना सबसे बड़ा बकरा दिखाओ। मैं दिखाता हूँ, चलो। ये इनका सबसे बड़ा बकरा, तो इसको क्या हुआ है पिछले टांग में? दर्द होगी इसके। ये लंगड़ा के चल रहा है, क्या हुआ है? ये रोड से आया ना कल परसों, तो इसको दर्द होगी। अच्छा अच्छा, इसके नीचे से। तो फिर दवाई लगाई? कुछ दवाई नहीं लगाई अभी मैंने। ध्यान से देखो, ये वाली आंख बिल्कुल ठीक है और ये वाली आंख फट गई है। फट गई है इसकी? कैसे फटी है? धार में पत्थर गिरा है। पत्थर? मतलब किसी ने मारा है या? नहीं नहीं, खुद ही गिरा। हम अभी फोटो ले रहे थे इसका, तो मैंने जब ध्यान से देखा तो एक आंख इसकी फट गई थी। है कोई तेरे को दोस्त ले जाने वाला? मुझे मिल जाएगा कुछ ना कुछ। कुछ नहीं मिलेगा अभी। दो ऐसे जो दो सफेद पेड़ दिखा दे रहे हैं। हाँ। यहाँ से रास्ता, ये जो रास्ता जा रहा है नीचे से, वो आगे तक चल जाना। आगे से सीधा ऊपर चढ़ जाना इसे। ठीक ठीक, दो सफेद पेड़ दिखाई दे रहे हैं, वो आम का बूटा है। आम के पेड़ से यहाँ पे रास्ता है, पक्का रास्ता है। सड़क वही है सामने? हाँ, इसके आगे है सड़क, लेकिन ये भी पक्का रास्ता है ना। आया मैं उस तरफ से था, अभी इस तरफ से जा रहा हूँ वापस सड़क को। कुत्ती है ना मेन, उसको खाना देना पड़ेगा कुत्ती को ना, उसको मेरे अलावा कोई नहीं संभाल पाएगा। रूम में लड़का नहीं और कोई? मैं आऊँगा, फिर से आऊँगा मैं। अभी मैं यहाँ से जा रहा हूँ, ये बार बार बोल रहे थे कि यहीं रुक जाओ यहीं रुक जाओ, तो इनको भी खुशी हुई मैं यहाँ पे आया, तो ये पूछ रहे थे बार बार अगली बार कब आओगे, तो फिर से आऊँगा मैं यहाँ पे बहुत जल्द। मेरा भी काफ़ी मन है आपको नाइट लाइफ दिखाने का चरवाहों के साथ, लेकिन ये जो GoPro है लो लाइट में बिल्कुल बेकार है। वहाँ से मैं आ रहा था और यहाँ को लग गया था मैं जाने, और ये सीधी ढलान है ऊपर को,
मैंने सोचा ये रास्ता होगा, तो मैं रास्ता भी भूल गया और आया भी मैं चप्पल में ही हूँ। रास्ता का पता नहीं लग रहा यहाँ पे, तो मैं करीब 1 किलोमीटर आ गया हूँ डेरे से और मुझे कोई रास्ता नहीं मिला अभी तक, सिर्फ ये छोटे छोटे पहाड़ मिले। ऐसा ना हो आज यहीं स्टे करना पड़े, लेकिन फिर भी मैं जाऊँगा। Yeah.